हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के प्रैक्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी का जो फर्स्ट ए वाला पार्ट है उसके अंदर का जो तीसरा प्रैक्टिकल है, बायो केमिकल टेस्ट। ओके, तो ये वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इसके सारे आंसर, ये प्रैक्टिकल आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, इसके अंदर आपको क्या सीखने मिलेगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, विथ प्रॉपर आंसर। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको इस प्रैक्टिकल का एम दिया है, और इस एम में आपको कहा गया है कि हम लोग टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड द फैट फ्रॉम द सुटेबल प्लांट मटेरियल्स। ओके, तो हमें क्या करना है, ये वाले प्रैक्टिकल में बेसिकली हमें सुगर ढूंढना है, स्टार्च देखना है, प्रोटीन देखना है और फैट देखना है। ओके, और आपके पास अलग अलग क्या होंगे, प्लांट मटेरियल होंगे, और उस प्लांट मटेरियल से ये सारी चीजें आपको पता करनी है कि कौन से प्लांट मटेरियल में ये सारी चीजें हो सकती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है, और यहाँ पे आपको सबसे पहला जो टेस्ट फॉर द स्टार्च, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्च को देखेंगे। ओके, तो स्टार्च किस में होगा, ये सबसे पहले हमारा मेन होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो उसका प्रिंसिपल है, उसका प्रोसीजर है, वो सारी चीजें दी गई है। और सबसे अच्छा जो स्टार्च का ये है और एक सोर्स है, वो स्टार्च का सबसे अच्छा सोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, वीट होता है आपका। ठीक है, वीट हो गया, पैटेटो हो गया, या और या फिर राइस और चावल हो गया, ये सारे के अंदर जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च की जो क्वांटिटी होती है, स्टार्च का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। ओके, और यहाँ पे आप देखो कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको दिया है, और इस ऑब्जर्वेशन में देखो अलग अलग जो मटेरियल है उनके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे बताया गया है कि किसमें कौन से टाइप का स्टार्च होगा, सिंपल कंपाउंड होगा या कंपाउंड होगा। ओके, सिंपल और कंपाउंड, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दी गई है। साथ में यहाँ पे आप देखो तो एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देखो कि कॉन्सेंट्रिंग स्टार्च किस तरीके से होता है, और फिर हीलियम यानी इक्सेंट्रिंग स्टार्च किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप वीट देख सकते हो, गेहूं देख सकते हो, चावल देख सकते हो। ओके, पोटैटो देख सकते हो। तो ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर टेस्ट फॉर शुगर करें, ठीक है, तो टेस्ट फॉर शुगर आपको पता है कि शुगर बहुत से प्लांट्स में होता है। ओके, तो हम लोग एक किसी भी एक स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में तो नहीं बता सकते, क्योंकि शुगर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर एक प्लांट्स के अंदर जो शुगर है वो प्रेजेंट होता है, आप सेलुलोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है शुगर के जिसके फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक शुगर कैन का ये लेंगे। आपने देखा होगा जो गन्ने की खेती होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में ऊस बोलते हैं उसको। ओके, तो उसकी जो खेती होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो किसान है वो गन्ने को उगाता है, और उस गन्ने का इस्तेमाल हम लोग शुगर प्रोडक्शन के लिए या फिर जो जेगरी होता है, गुड़ होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसके टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको पूरा प्रिंसिपल दिया है और प्रोसीजर दिया है। आप ये करके आप कहीं पे भी शुगर टेस्ट कर सकते हो कि इसके अंदर शुगर है या नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो आपको टेस्ट फॉर द फैट, फैट यानी सिंपल सा है, ऑयल, ये सारे के अंदर ही फैट्स होता है। ओके, और ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर दिया है। आप इस प्रोसीजर के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि ऑयल ड्रॉप्स के अंदर फैट होता है तो उसका कलर क्या होता है, वो किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करता है, वो सारी चीजें आप इससे पता लगा सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो टेस्ट फॉर द प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए भी यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है, साथ में यहाँ पे प्रोसीजर दिया है। आप ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जो आपका प्रोटीन वाला है चीज है वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोटीन के लिए आप तुअर दाल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। ओके, तो तुअर दाल के अंदर आपको अगर प्रोटीन देखना है तो उसका जो कलर है, अपेयरेंस है, वो वायलेट कलर का आपको दिखाई देता है, और उसी को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। जब आप घर पे अगर तुअर दाल कभी बनाओगे तो अगर आप तुअर दाल के ऊपर कोटिंग में अगर जब उबलते हुए देखते हो तो उसके ऊपर आपको एक वायलेट कलर का जो अपेयरेंस है वो आपको दिखाई देता है। ओके, वो सारे चीज क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, राइस के लिए यहाँ पे आपको द स्टार्च ग्रेन आर स्मॉल। ओके, फिर ज्वार के लिए द स्टार्च ग्रेन आर सिंपल, व्हीट के लिए और स्टार्च ग्रेन आर सिंपल और कंपाउंड, मेज यानी आपको पता है जो भुट्टा होता है, मकई होती है, उसके लिए यहाँ पे द स्टार्च ग्रेन आर सिंपल और कंपाउंड, और पोटैटो के लिए द स्टार्च ग्रेन आर सिंपल एंड इसेंट्रिक। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको गिव रीजन यानी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आपको क्या करना है, उसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। ओके,
स्टार्च ग्रेन टर्न ब्लू आफ्टर द स्टेनिंग इन द आयोडीन सोल्यूशन। ओके, तो ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है कि जो स्टार्च ग्रेन होता है अगर हम लोग उसके अंदर स्टेन करते हैं आयोडीन सोल्यूशन के अंदर तो उसका जो कलर है वो ब्लू कलर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार्च है उसके अंदर बहुत ही अच्छी एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है आयोडीन। ओके, और इसके कारण ही क्या होता है कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ओके, इन सुगर टेस्ट ग्रीनिश और द ब्राउनिश प्रेसिपिटेट अपेयर। ओके, तो ग्रीनिश और जो ब्राउनिश प्रेसिपिटेट है वो इसके अंदर आपको जो कॉपर आयन है, क्यूपरस आयन है, ये सारी चीजें उसके अंदर मिलती है। ओके, और इसके लिए यहाँ पे सुगर टेस्ट में वो आप जो कलर है वो अपेयर होता है। ओके, इन प्रोटीन टेस्ट ऑफ द एसिडिक एसिड व्हाइट प्रेसिपिटेट अपेयर। ओके, तो वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर होता है एंड कोएगुलेटेड ऑन द हीटिंग, तो इसके लिए वहां पे आपको क्लाउडी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है। ओके, आर द डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट यूजफुल इन द चेकिंग ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन विथ वन एग्जाम्पल। ओके, तो आपको पता है सबसे पहले तो बच्चे लोग अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है मिलावट। तो मिलावट बहुत सारी चीजों के अंदर होती है, जैसे दूध के अंदर मिलावट हो गई, आपके दाल के अंदर मिलावट हो गई, हर एक चीज के अंदर आप मिलावट कर सकते हो। तो आप उस मिलावट को पहचानोगे कैसे, यही यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो सबसे अगर आप कॉमन एग्जाम्पल लो अगर मिल्क का, ओके, तो आपको पता है मिल्क का अगर हम लोग अडल्ट्रेशन देखना है तो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, आप जो भी मिल्क लेके आते हो घर पे उसका एक बूंद एक ड्रॉप क्या करो, आप जो आपके पास अगर लादी होगी, यानी अगर आपके पास मार्बल की अगर कोई लादी होगी, आप लादी को थोड़ा सा टिल्ट करो। ओके, टिल्ट करो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, उसके ऊपर आप क्या करो एक दूध की जो ड्रॉप है उसको डालो, अगर दूध की ड्रॉप बहुत धीरे धीरे और पीछे व्हाइट कलर का जो निशान है अगर छोड़ती हुई जा रही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि उसके अंदर जो मिल्क कंटेंट है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा मिल्क है। अगर लेकिन अगर सेम ड्रॉप बहुत तेजी से पानी की तरह वो नीचे चली जाती है और पीछे आपको व्हाइट अपेरेंस नहीं दिखता है तो इसका मतलब समझ लो कि उसके अंदर आपको पानी का जो अडल्ट्रेशन है वो आपको मिलाया हुआ है। ओके, तो आप चाहो तो ये घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके हिसाब से यहाँ पे स्टार्च ग्रेन के वो बनाए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे उनके जो नाम है वो भी बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे हमने पहले का जो आंसर है वो आयोडीन है, सेकंड का यहाँ पे बेनेडिक्ट रिएजेंट, थर्ड का यहाँ पे आपका पोटैटो, फोर्थ का यहाँ पे एडिपोज, ओके, और फिफ्थ का यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे के जो आंसर है वो लिख दिए हैं और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी का भी अगर बहुत से बच्चों को अगर करना है डिटेक्शन ऑफ यूरिया या फिर डिटेक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द मिल्क, तो ये इनका यहाँ पे आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो दिया है, आप इसके हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लो। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।